लगता है कि इस बार कर्नाटक की जनता ने फैसला किया है कांग्रेस की सरकार बनाने का। अब शेट्टीयार साहब जैसे 6 बार चुनाव जीते, इनको आने की क्या क्या कारण है? ये कांग्रेस ज्वाइन किया, बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड का आदमी कांग्रेस ज्वाइन करे, मैं समझता हूँ कि आप सोच सकते हो किन परिस्थिति में इनके दिल में क्या गुजरी होगी कि इनको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी है। आप सोच सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि जो हालात बन गए हैं पूरे देश के अंदर, उसको देखते हुए ये चुनाव जो है मैसेज देगा देश को। ये चुनाव खाली कर्नाटक की जनता के लिए नहीं है, ये चुनाव हमारी दृष्टिकोण में पूरे देश में मैसेज देगा। और अगर एक सबक सिखा दिया एनडीए गवर्नमेंट को, तो प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को सोचना पड़ेगा कहाँ चूक हो रही हमसे। और मान लीजिए उनका जो अहम गवर्नमेंट सीकर पर है, अगर इस झटके से मान लो वो भी नीचे आएगा, जो कुछ कमियां रही है उनके महसूस नहीं कर रहे अभी वो गवर्नमेंट और अहम के कारण से, उस पर उनका ध्यान जाएगा, महंगाई पे जाएगा, बेरोजगारी पे जाएगा, नॉन वायलेंस पे जाएगा। क्योंकि आप बताइए किसी किसी गांव में परिवार में झगड़े होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ सवाल है देश का और प्रदेश का, हिंसा होगी धर्म के नाम पर तो कैसे विकास होगा? ये ध्यान जाएंगे उनके, मान लो अमीर गरीबी खाई है, आर्थिक नीति बदलेंगे, मान लो इस झटके से कि कर्नाटक के अंदर झटका मिल गया, क्यों मिला है, तो हो सकता है कि उनकी नीतियां बदले, आर्थिक रूप से देश हित में हो, वो नॉन वायलेंस की स्थिति की तरफ जाए सरकार वापस। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने पहली बार मॉब लिंचिंग हुई थी राजस्थान के अंदर, तो मोदी जी बोल रहे थे सरकार बनी थी कि मॉब लिंचिंग करने वाले लोग एंटी सोशल एलिमेंट हैं। मैंने मोदी जी को कहा आपने ये बात कही, उस वक्त मैसेज गया कि आपकी नीयत अच्छी है, आप चाहते हो कि इस प्रकार मॉब लिंचिंग किसी की नहीं होनी चाहिए, उनका असर पड़ा था उस वक्त में। बाद में क्या हो गया, 8 साल तक आप बोल नहीं रहे हो, कोई नहीं बोल रहा है उनकी तरफ से, पता नहीं आरएसएस ने दबा दिया उनको, किसने दबाया है। मोदी जी के मुंह से जो उस वक्त शब्द निकले थे, भीड़ इकट्ठा होकर किसी को मार दे व्यक्ति को मॉब लिंचिंग में, उसके लिए पीएम बोले हैं, उनको अप्रिशिएट किया हम लोगों ने। बाद में 8 साल से मुंह पे ताला लगा हुआ है मोदी जी के, इतना क्या दबाव पड़ गया उनके ऊपर। आज वक्त आ गया।